17,51,00,000 की लागत से बनेंगे 76 बंगले। बंसल ग्रुप पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत योजना को अंजाम तक पहुंचाएगा। पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत सिविल लाइन्स रीवा में 76 बंगले बनाए जाएंगे। इसके लिए राशि खन्ना चौराहे के पास बने सरकारी आवासों को बेचकर इकट्ठा की जाएगी। यहां पर एक सामुदायिक भवन का भी निर्माण किया जाएगा, साथ ही सड़क के दोनों ओर फुटपाथ भी बनाया जाएगा। प्रदेश के उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने 76 बंगलों के निर्माण का भूमि पूजन करते हुए कहा, यह योजना के मूर्त रूप लेने से अधिकारी कर्मचारियों के आवास की समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। इस योजना को पूरा करने के लिए सिविल लाइन्स के 12 ऐसे भवनों को तोड़ा जाएगा जो अब रहने लायक नहीं है। यूटिलिटी बरंदा बहुत ही सुसज्जित भवन जो है 24 इस तरह के भवन प्रस्तावित हैं। इस योजना में 24 जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों हमारे ये पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत रीवा में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास की कमी की समस्या हमेशा बनी रहती है, उसी को ध्यान में रख के पहले हमने 54 क्वार्टर बनाए थे। अब इसी एरिया में जहाँ की मात्र दो ही अधिकारी रहा करते थे, अब 54 और 76 और बना दें तो 120 टोटल, दो बंगले वाले एरिया में 120 शानदार आवास की सुविधा शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को देने के पीछे उद्देश्य यही है कि रीवा में जो भी आए काम करने के लिए, किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हों, उनको आवास की समस्या न हो, तो आज उसका भूमि पूजन किया है। शासन की पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, उसी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे गवर्नमेंट के लोगों के लिए 76 गवर्नमेंट हाउसिंग प्लस एक कम्युनिटी हॉल प्लस यहाँ पर जो फुटपाथ रोड के दोनों तरफ सिविल लाइन्स के, इसको बनाने का काम है। इसका भूमि पूजन आज माननीय मंत्री जी ने किया है। ये कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा? निर्माण कार्य पूरा प्रोजेक्ट की समय सीमा 3 साल है, लेकिन ये काम जो है माननीय मंत्री जी का भी निर्देश है कि बहुत जल्दी इसको टेकअप करना है ताकि वहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके जाने आने में।